भाई सल्ला, ये कौन सी उम्र है गुड्डे गुड्डियों से खेलने की है? क्या कर रही है तू? पहले खटका चालू करके आओ। खटका चाल के रहा तेरे दिमाग में है? अरे खटका चालू करो, पहले करंट छोड़ो, जाओ। चलो मैंने एक बात बता, यो सब तू देवांशी के साथ तोड़ा करने वाली ना? इतने बरस मेरे साथ रह रहे के समझदार हो गए हो आप अम्मी जी, लेकिन वो सुनो जिसका अंदाजा भी आपने नहीं लगाया होगा। गांव के चौराहे के पास पीपल का पेड़ है, वहां जाके मैं अपने सोने का हार दबाऊंगी और फिर शोर मचा दूंगी गांव में कि हाय मेरे सोने का हार खो गया, हाय मेरे सोने का हार खो गया। और फिर देवांशी ने करंट लगेगा और गांव वालों को लगेगा कि देवांशी में माता आ गई। फिर मैं देवांशी से ना उस पीपल के पेड़ की तरफ इशारा करवाऊंगी, वहां आप जाके हार ढूंढने का नाटक करना। सोचो जब वहां से हार मिलेगा तो लोग देवांशी का ये चमत्कार देख के कितने हैरान हो जावेंगे, उनकी श्रद्धा देवांशी में लाख गुना बढ़ जाएगी। रसल्ला तेरे सीने में मां का दिल ना सही, यो बात तो मैंने पहले से पता थी, लेकिन इसमें शैतान का दिल सही, यो बात मैंने आज पता लगी सही। सरला इस काम में तेरा साथ देना तो बड़ी दूर की बात है, मैं तन्ने भी यो काम करने ना लूंगा। अपने हाथ काबू में रखो उम्मी जी, इस वक्त मैं बाढ़ के उस बेकाबू पानी की तरह हूँ जो कभी भी किसी ने भी बहा कर ले जा सकता है, और इस वक्त जो भी मन्ने रोकने की कोशिश करेगा वो मेरा दुश्मन होगा, और दुश्मनी निभाते हुए तो आप मन्ने देख ही चुके हो। सरला इतने बुरे कर्म ना कर कि आगे जाके लेखा जो खदेड़ना भी मुश्किल हो जाए, और इस बात की क्या गारंटी है कि जो आज तू दूसरे की छोरी के साथ करेगी वो कल को हमारी छोरी के साथ नहीं होगा है? मन्ने शिक्षा देना बंद करो, देवांशी मेरा मकसद जरूर पूरा करेगी, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना कम करो, जितना कह रही उतना ही करो, वक्त पे बिजली छोड़ देना। अरे कुसुम सुंदरी ते दो गुना बड़ी फोटो छपी है उस छोरी की, कुसुम सुंदरी की फोटो पे तो नजर भी नहीं जाती। इब खुद के कर्म तो सामने आवेंगे ना, गीता के सामने मन ने नीचे दिखाया, उस छोरी के सामने खुद नीचे पड़ गई। अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। काफी पुराना हो गया सनुतन, हाथ लगाया था कि सूखे पत्ते की तरह झड़ गया मेरे हाथ में, अगर नहीं देखती तो यो सच कदे सामने नहीं आता मारे।
जी भाभी माँ, सच कह रही हो ना? यो सस्ता से हार पहन के घूमती रह है, कब से देख रही हूँ। माँ कुसुम सुंदरी की देवरानी हाँ, ऐसे सस्ते और पुराने हार पहने शोभा देवे। चल फिकर ना कर, तेरे लिए दीपावली में एक बढ़िया हार बनवाया सा, इसके भार के तो बस मोती हो बेंगे उसमें, गले में डालेगी तो दुगनी खूबसूरत लगेगी। सच्ची भाभी माँ? विश्वास है ना अपने भाभी माँ पे? अरे भाभी माँ, आप पे तो पूरा विश्वास है। चल जा, शाम की आरती की तैयारी कर। जी भाभी माँ। माँ क्या बे है? भाभी माँ, सोच रही होगी मैंने कुछ नहीं सुनिया। अरे कुसुम सुंदरी तो चींटी के पाँव की आवाज भी सुन लेती है, फिर यो तो पूरे जोश में कसीदे कस रही थी हमारी तारीफ में अपने फोन पे। कोई बात ना, इसने तो ऐसा मजा चखाऊंगी, रहती जिंदगी याद रखेगी अपनी भाभी माँ ने नलायक कहीं की। हाँ बोल मोहन। वो जो जूती तोड़ा लाने के लिए बोली थी ना भाई, वो मारे को कहीं मिल नहीं रही, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं वापस आ रहा हूँ। मोहन, बगैर जूती लिए वापस आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? आ सुन, अरे ये बड़ी जूती से है जिसके दम पे इतना बड़ा चमत्कार दिखाने वाली हूँ दीपावली पे, जूती नहीं मिली तो अपनी शक्ल ना दिखाना कर दे। न जाने वो जूती पहन के कौन सा पहाड़ चढ़ने वाली है वो। अरे बेवकूफ आदमी, इस जूती की असली अहमियत तने दिवाली के दिन मालूम पड़ेगी, जब वो जूती मने ऐसी ऊंचाई पे पहुंचा देगी कि कोई भी हाथ नहीं लगा पाएगा। मैं मध्यवंशी की बच्चे तो सपने में भी नहीं, दिद्दी कहीं की। अरे रुक, एक बार मेरी तस्वीर तो देख ले। नाना मन्ने ना देखनी तेरी फोटो, पीछे छोड़ दे मेरा दीवानशी। अरे देख लेना बहन बन के, सच में बहुत सुंदर फोटो छपी है मेरी। मैं भी तो सुंदर हूँ ना दीवानशी, फिर मेरी फोटो तेरी तरह क्यों नहीं छुपी अखबार में? मेरी छपती तो तेरी तरह सबाशी देते ना मन्ने सारे। एक तरीका है मेरे पास। क्या? तेरी फोटो अखबार में छापने का। क्या तरीका यूज़ है?